जानिया शर्म नहीं आती पराई औरत का घूंघट उठाते हुए? पराई? हाँ पराई। देखो जिस कुड़ी की शादी नहीं हुई होती है ना वो पराई होती है। तुम तो मुझसे शादी करना चाहती हो ना, और तभी आई हो इस स्वयंवधु में। जी हाँ, शादी भी करना चाहती हूँ और स्वयंवधु में भी आई, लेकिन न स्वयंवधु पूरा हुआ है और हमारी शादी भी तो नहीं हुई है ना, तो इस नाते में पराई हुई ना। पर तुमने तो मेरा चेहरा देख लिया है, और मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। ये हक मैं शादी के बाद जताना समझे, फिलहाल परंपराएं निभाओ और ये घूंघट तभी उठाना जब मुझसे शादी कर लो। पर मुझे तुम्हारा चेहरा अभी देखना है। तो ठीक है, शादी कर लो। व्हाट? शादी अभी? हाँ, नहीं कर सकते ना? जानती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपने बाबूजी की परंपराएं जो निभानी है। तो ठीक है, तुम अपने बाबूजी की परंपराएं निभाओ, मैं अपने बाबूजी की परंपराएं निभाऊंगी, समझे? या फिर जगतारिया की जुबान से समझाऊं? जगतारिया की जुबान? जी हाँ, कुटाई वाली। तुम यहाँ पे रुको। तुम तो बड़ी बदतमीज हो। जी हाँ हूँ, और उसके लिए माफी भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये तुम्हारी जगतारिया की जबान। तो समझने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना तब समझ में आ जाएगा। हमारी शादी? तुम पागल हो पागल, और एक पागल से मैं कभी शादी नहीं कर सकता, कभी नहीं। और देखता हूँ तुम कैसे जीतती हो ये स्वयंवधु। जीत तो मेरी ही होगी विकी, प्यार कीजिए। आपको पता है चाची, जब ये बाऊजी मनिंदर जेठ जी और बलविंदर जेठ जी मुझे देखने आए थे ना, तब मैं उनके लिए 10 गिलास लस्सी के लिए आई थी, मतलब कि 2 ज्यादा। तो बाऊजी ने कहा कि वो तो सिर्फ 4 लोग हैं। इसी बात पे बाऊजी मुझसे बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए, और तब भी उन्होंने मेरा और उनका रिश्ता तय कर लिया। तुझे पता है छोटी, मैं इस घर में कैसे आई? मैं ना एक कागज पर कुलदीप चाचे का पता पूछते पूछते घर में घुस गई थी। उनका घर भी दिखने में ऐसा ही है ना, पर थोड़ा छोटा है। फिर क्या, मैं बाऊजी के सामने गई, बाऊजी से पूछा कुलदीप चाचे का घर यही है, तो बाऊजी मुझे देखते रह गए ऐसे। फिर क्या, फिर मैं इस घर की हो गई। ओ कुड़ियो, क्या बात है, बहुत खिखी कर रही हो भाई। तुम्हें पता है ना, स्वयंवधु के मुकाबले के लिए लड़कियों ने खाना बनाना है, जाके देखो बना करी बना, मुझे स्वाद चखना है। जी बाऊजी। बाऊजी बाऊजी बाऊजी, क्या हो गया? बाऊजी सब कुड़ियों ने अपना खाना तैयार कर लिया है। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो चलो मुकाबले की तैयारी करो। इतना उदास क्यों है यार? बस कुछ नहीं पाजी, बस। हाँ, क्या कुछ नहीं, कुछ तो है जी। तू उस घूंघट वाली का चेहरा देखना चाहता ना? बता बता बता। ओ यार फिकर मत कर यार, बलविंदर पाजी नहीं है तो क्या है, मैं और मनिंदर तो है ना, तू उस लड़की का चेहरा जरूर देखेगा। कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अभी तक? बाऊजी, मैंने सब कुड़ियों का लाइन में खड़ा कर दिया है। शाबाश छोटी। हाँ? वो देख, सबसे बड़ी ताल तो ये प्रीतो चुड़ैल लेके आई है, पर चाची वो घूंघटे कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ लगी थी तू? आपको पता है मैंने भी कुछ बनाया। तुझे क्या जरूरत थी, मैंने बनाया सब। ओके। और पुत्र की बनाया तू? जी बाबूजी, आप खुद चक्कर देख लीजिए ना। अब पुत्रा चखांगा तो सही, पर तू दस्त सही बनाया की है। मुर्ग मखनी। ये सब उनकी मन पसंद चीजें। थैंक यू। ओके, चाचा चाचा चा। ओ तेरे को किसी ने बताया नहीं कि इस घर में सिर्फ शाकाहारी लोग रहते हैं? हटा हटा यहां से, जल्दी बो आ रही है। पाजी उचू उचू उचू, एक दो तीन।
मत मारी गई है सारे दी मत। जा पुत्र अपना ही खिला दे। पाजी उसने घूंघट तो उठाया ही नहीं। विक्की लगता अगली बार असली चिपकली फेंकनी पड़ेगी। ओए चुप कर। ओए बैंगन का पर्दा और तो नहीं लगता। ओ कुड़िये ये क्या बनाया तूने? जी सब्जियों का भरता। भरता तो बैंगन का होता है, ये सब्जियों का भरता तूने क्या सोच के बनाया? इस घर को सोच के बनाया बाबूजी। इस घर में सब किस्म के लोग रहते हैं ना, तो मैंने सब किस्म की सब्जी मिलाकर बना दिया। ये तो काम चोर लगती है। ओए जिंदी रहे पुत्रा जिंदी रहे। तू की बना के ले आई? जी बाऊजी मैंने ना आपके वास्ते पनीर पसंदा बनाया है जी। पनीर पसंदा? ओए बल्ले 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 मेरे मुंह से तो पानी आ गया है। बाऊजी जब मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी ना, तो रोज रात को आपके पैर दबाते हुए आपसे पूछ लिया करूंगी कि आपको क्या खाना है बाऊजी। अभी इसी वक्त मैं ऐलान करता हूँ कि विकी के स्वयंवधु मुकाबले की विजेता है ये सुंदर सुशील और अनपढ़ लड़की जिसका नाम है प्रीतो। प्रीतो जगतार भल्ला की बहू बनेगी। और अब स्वयंवधु का मुकाबला खत्म। नहीं अरे घूंघट वाली तू क्या हुआ चाचा, इतना परेशान काहे घूम रहे हो? और टेंशन हो रखी यार। सुनो 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 सुना सुना सुना, बाऊजी ने प्रीतो का नाम कर दिया है घोषित और प्रीतो जीत गई है मुकाबला। मुकाबला जीत गई? हाँ। मेरी प्रीतो मुकाबला जीत गई नाप तोल के। ओ मंगला पाओ। फूल जाएगी। नहीं बनी नहीं बनी, अभी उस घूंघटी का खाना बाकी है। कौन? वो घूंघट वाली। हाँ हाँ मुझे बताया था उस चुड़ैल के बारे में प्रीतो ने। ओ जत्ती ओ यार एक कंफ्यूजन है। पाजी क्या कंफ्यूजन है? ओ यार अगर विक्की की शादी उस चुड़ैल से हो गई तो विक्की को तो पेड़ पे रहना पड़ेगा जाके। क्यों प्राची? और चुड़ैल तो पेड़ पे ही रहती ना, उल्टी लटक के वो बाल बाल नीचे करके एकदम। ऐसे कैसे स्वयंवधु का मुकाबला खत्म हो गया? मैं जो आपके लिए बना के लाई थी वो तो आपने खाया ही नहीं है ना। हाँ वो तो है, क्या बनाया तूने? एक मिनट, ये लीजिए। और ये क्या है? आप ही देखिए। खुशबू तो नहीं आ रही कोई? ये तो कच्ची सब्जियां हैं। नहीं नहीं सब्जी नहीं, सैलेड। सलाद 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 लाइए। सलाद? जी हाँ सलाद। ये भेड़ बकरियों का खाना खिला के मुझे बीमार करेगी क्या तू? बीमार तो आप इन लड़कियों का खाना खा के हो रहे थे। तो फिर क्या खाना चाहिए मुझे? बाऊजी आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी उम्र और लंबी हो जाए, बहुत लंबी हो, बहुत से भी बहुत लंबी हो, और जिससे आपका साया हम पर और इस घर पर हमेशा बना रहे। देख कुड़िये सच्ची बात ये है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तूने जो मेरी सेहत के बारे में बात की है ना वो बिल्कुल ठीक की है। अब इस कुड़ी ने भी ठीक बात की है, तुमने भी ठीक बात की है, दोनों अनपढ़ लड़कियों ने बड़ी अकलमंदी की बात की है जैसे हर औरत को करनी चाहिए। और जी तो इनसे कहो भाषण कम दे और विजेता का नाम ले। और जीते अपनी बीजी नु कह दे जब तक मुझे दोनों लड़कियों के नाम नहीं मालूम होंगे तो विजेता का नाम मैं कैसे बताऊंगा।
और क्यों घूंघट वाली कुड़िये, तूने आज तक मुझे अपना नाम बताया है? क्या नाम है तेरा? मैं क्या कर रही है? नाम बता। क्या नाम है तेरा? कुड़ी बड़ी मत वाली जैसे भरी प्रेम दी प्याली जुगनी देखी देखी सी लगती जुगनी सब दे दिल नू जुगनी जुगनी कितना बढ़िया नाम है। अब कुड़िया दो ठीक निकल आई हैं पर मुंडा तो एक ही है ना। इसका इलाज तो एक ही है, एक और मुकाबला करना पड़ेगा और वो मुकाबला है पहेलियां बूझने का। पहेली? अब तीन पहेलियां होंगी, जो कुड़ी दो का जवाब जल्दी दे देगी वो विजेता हो जाएगी। बाबूजी हाँ? मुझे ना पहेलियां सुलझाना आता ही नहीं। तो फिर वो कर जो तुझे आता है। क्या वो देख, वो रहा विक्की और ये रहा प्याज। प्याज? हाँ, चली जा उसके पास आंसू बहाते बहाते नाप तोल के। तू रो रही है? मेरा अब आपको उसी चुड़ैल से शादी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि क्योंकि मुझे ना पहेलियां सुलझाना आता ही नहीं है। उसे उसे जरूर आता होगा, वो बड़ी चुंट है ना, देख लेना वही जीतेगी। नहीं नहीं देखो ऐसे हिम्मत नहीं हारते, कुछ सोचो कुछ सोचो। मैं क्या कर सकती हूँ? जो करना है आप ही को करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? रहने दो, आप नहीं करोगे। देखो उस घूंघट वाली से शादी ना करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ना आपको बाऊजी जो पहेलियां पूछने वाले हैं ना उन्हें चुरा लाना होगा और मुझे ना जवाब बताने होंगे। की कर रहे हैं? नहीं भाजी मैं तो बस देखने चला आया आपको। अच्छा अच्छा मुझे देखने चला आया। देख 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 मेरे सर पे दो सींग आ गए, चार हाथ हो गए, कैसा लग रहा हूँ? नहीं भाजी मैं तो बस ये देखने आ गया कि आप की कर रहे हो। ओ पुत्र मैंने करना क्या है, आजकल तो मैं सोचता ही जा रहा हूँ। भाजी कंफ्यूजन है। की कंफ्यूजन है पुत्र? बस सोचने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है, आपने सोचा कि आप सोच रहे थे। अरे मेरे पुत्र तू ज्यादा मत सोचा कर, मैंने तो सोच भी लिया है और लिख भी लिया है। ये देख भाई स्वयंवधु का मुकाबला है ना और विक्की की शादी का मामला है, सोचना तो पड़ेगा ना जी। पर बेटा एक बात है, आजकल के जमाने में एक सुंदर सुशील जी बाबूजी और अनपढ़ कुड़ी ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी बाबूजी, लेकिन अपने विक्की पुत्र के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना जी बाबूजी। पुत्र जीवन साथी अगर गलत मिल जाए ना तो सारी जिंदगी सड़ने खुड़ने में निकल जाती है जी बाबूजी। जैसे मेरी जी, मेरे साथ ब्याह में बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्यों ऐसी बाबूजी? वो छठ यार बड़ी पुरानी बात है जी बाबूजी, लेकिन मैं
अब वो धोखा विक्की के साथ नहीं होने दूंगा। जी जी, बस रब करे विक्की नु एक सुंदर जी बाबूजी सुशील जी जी बाबूजी जी बिल्कुल अनपढ़ कुड़ी मिल जाए। जी बाबूजी बिल्कुल, ताकि उसके साथ उसका ब्याह हो जाए और जिंदगी भर खुश रहे। जी बाबूजी जी, जैसे तुम मेरे तीनों पुत्र खुश हो। जी बाबूजी। पुत्र कोई काम तो नहीं है? नहीं बाबूजी, मेरा काम तो हो गया। काम हो गया? क्या काम हुआ? मतलब आपको देखने आया था, देख लिया बस। जीता रहो। वाह, सब एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब खैर नहीं इस घूंघट वाली की। शाबाश मनिंदर, की काम कितना है आज। शाबाश, की काम कितना है पुत्र? जी माँ, क्या क्या? तू क्या छुपा रहा है मुझसे? कुछ भी तो नहीं ना, देखो कुछ भी नहीं है। अरे तू मेरा बेटा है, मैंने अभी भी तुझे बाबूजी के रूम से जिस तरह से आते देखा है ना, मैं सब समझती हूँ। ला निकाल मोबाइल। मोबाइल? हाँ। कौन सा मोबाइल? वही मोबाइल जिससे तूने पहेलियों के जवाबों की तस्वीरें खींची है। ये वाला? हाँ, ये वाला। मेरे कुछ जरूरी फोन आने वाले। हाँ मुझे मालूम है, तेरे सारे जरूरी फोनों का जवाब मैं दूंगी, फिक्र ना कर। अच्छा एक आखिरी फोन। हाँ ले, याद कर ले अपने जवाब और जीत ले अपना प्यार। लेकिन ये तो चीटिंग होगी, ये मुझसे नहीं होगा। अरे तुम्ही ने तो कहा था एनीथिंग फॉर लव। हाँ हाँ, तो कुड़ियो तैयार हो? पहली पहेली है बाबूजी। एक मिनट। ओ विकी, तो अंदर कैसे आ गया? बाबूजी, मेरी खुशियों के लिए आप जो हमेशा आशीर्वाद देते आए हैं, तो आशीर्वाद को पूरा करने के लिए पहेलियां भी मुझे पूछनी चाहिए। तुझे? जी बाबूजी, तभी तो मैं सदा सुखी रहूंगा। मैंने जिसके साथ जिंदगी बितानी है, अगर वो मेरे सारे सवालों का सही जवाब दे दे तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा। क्यों बाबूजी? वाह मेरे समझदार पुत्र, बात तो तूने ठीक की है। चल चल तू ही पूछ। शुक्रिया बाबूजी। तो मेरा पहला सवाल है, वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें थोड़ा कम बोलती है? वो साल का दूसरा महीना होता है। तेरा मतलब फरवरी? जी, जिसमें दो दिन कम होते हैं। अरे वाह। मेरा दूसरा सवाल है, मेरे माँ बाप ने उसे जन्म दिया, पर ना वो मेरा भाई है और ना ही मेरी बहन, कौन है वो? मैं बता रही हूँ। विक्की जी, आप ओए कमाल की कुड़ी है तू। तीसरा सवाल, मेरी वो कौन सी चीज है जो सिर्फ मेरी है लेकिन मुझसे ज्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? मैं बताती हूँ, वही जो बहुत जल्द मेरा भी होने वाला है, यानी कि आपका नाम। सुनो 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 सुनो, ये स्वयंवधु का मुकाबला अब खत्म हुआ। जुगनी मुकाबला जीत गई। छोटी, अच्छा वो उस चुड़ैल के साथ शादी नहीं हो रही है। अरे वाह, तेरी किन्नी मेरे, जैसी कुड़ी चाहिए थी बिल्कुल वैसी मिल गई। सुंदर, सुशील और अनपढ़। बस अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन शादी कर देनी चाहिए। एक बात तो हमें पहले करनी पड़ेगी। क्या बाबूजी? ओ पुत्र, जुगनी के माँ बाप से बात करनी पड़ेगी ना।
ओ कुड़िए तू कल ही अपने माँ बाप को यहाँ बुला ले।